जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी आरडीजीसीयू के छात्र हैं और जो बुंदेलखंड अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग आर्मी में धर्म शिक्षक बनाकर ही रहेंगे और हमेशा बनाते रहते हैं। आप लोगों के लिए इससे बेहतर पूरे भारत में कहीं भी पढ़ाई आपको नहीं मिल सकती। बुंदेलखंड अकेडमी आरडीजीसीयू के लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है। कुछ कमेंट आए थे आप लोगों के यूट्यूब पर, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। उपेंद्र कुमार कहते हैं, सर मेरा बेटा अभी 10th पास हुआ है, एज 16 प्लस हुआ है और वो गुरुकुल में संस्कृत में आचार्य बनने वाला है, तो 18 की एज में 12th पास होने पे उसकी भर्ती हो सकती है। उपेंद्र कुमार जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आपका लड़का अभी 16 साल का है, तो पहले तो सुन लो कि इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो बीए शास्त्री होते, एमए आचार्य और 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा। अगर आपके लड़का, अगर आपका बच्चा, अगर वो छात्र है अभी, तो उसको बीए शास्त्री करना होगा और 1 साल का कर्मकांड डिप्लोमा करना होगा, उसके बाद वो भर्ती देख सकता है, लेकिन उसकी एज होना चाहिए 25 प्लस में। पवन कुमार, सर मैं ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया हूँ और मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट भी है, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन एमए संस्कृत में करूँ तो चल सकता है? नहीं, प्लीज़ सर बताइए। पवन कुमार जी ने जो कहा है, मैं उनको रिप्लाई देना चाहूँगा कि भैया आपका जो ग्रेजुएशन कॉमर्स से है ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देखो, एनसीसी के बंदे बहुत सारे बोलते हैं कि सर मैं एनसीसी क्यों हूँ, क्या एनसीसी का मुझे फ़ायदा मिलेगा आरडीजीसीयू में? तो भैया एनसीसी का आपको वैसे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन जब भी आपका साक्षात्कार होता है, अगर वहाँ पर आप ये बताते हो कि मैं एनसीसी किया हूँ, तो वहाँ पर आपके ऊपर रहम 100% वो लिहाज करेंगे आपको उस हिसाब से आपके पास, और आपको थोड़ा सा वो पदोन्नति करेंगे, यानी कि आपको कोशिश करेंगे इस बंदे को हमें लेना है, तो उनकी मानसिकता तो चेंज हो सकती है, लेकिन आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल सकते, इसके नंबर कुछ भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने स्पोर्ट अच्छा खेला है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसके भी आपको क्या उनकी मानसिकता चेंज होगी, यानी कि आपको लेने वाली मानसिकता होगी उनके अंदर कि इस बंदे को हमें लेना है, ये स्पोर्ट्स से है या फिर ये एनसीसी से है, तो वहाँ पर फायदा मिल जाता है आप लोगों को, लेकिन प्रॉपर आप सोचो मेरिट लिस्ट में आपके नंबरों में बढ़ोतरी हो तो वो तो नहीं होगी भाई। जीशु कुमार पांडे, जो बच्चे संस्कृत विषय से ग्रेजुएशन फाइनल किया है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? देखो, नॉर्मल आपने अगर संस्कृत से अगर आपने बीए कर रखा है तो वो आपकी कोई मतलब की नहीं है आरडीजीसीयू के लिहाज से, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बीए शास्त्री होना आवश्यक है और 1 साल का कर्मकांड का होना आवश्यक है। अब इसी बीच में मुस्लिम कैंडिडेट के लिए भी बोल देता हूँ कि भैया आप लोगों को भी सुन लो साथ में, कि आप लोगों के लिए मौलवी अरेबिक आलिम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, यानी कि स्नातक डिग्री तो आपको चाहिए चाहिए। बहुत सारे मेरे पास जो मौलवी हैं बहुत मुझे फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि सर हमारी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आप लोगों के लिए भी ये क्वालिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है, यानी कि मौलवी आलिम अरेबिक कम्प्लीट होना चाहिए आप लोगों के लिए। ठीक है, राघव त्रिपाठी, थैंक्स सर जी, कम से कम कुछ तो बता रहे हो आप। भैया हम कुछ नहीं बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। धन्यवाद गौरव तिवारी जी, राघव त्रिपाठी जी, गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं कि मैं असम से आपके वीडियो देख रहा हूं और मैं निवारी से हूं, आपका वीडियो अच्छा लगा। आप निवारी में कहां से हो सर? बुंदेलखंड अकेडमी 3 ईयर्स हो चुका है, यानी कि 3 ईयर्स कम्प्लीट हो चुका है निवारी में इसकी ब्रांच को, और यहां से मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, आपको गर्व होगा निवारी पर। गौरव तिवारी जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भैया बुंदेलखंड अकेडमी ने जो यहाँ पर कार्य किया है, यहाँ पर जो विकास के कार्य किया है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, हकीकत में ये गौरव की बात होना चाहिए सबके लिए। और इसमें मैं ही नहीं, मेरी जो टीम है, मेरे साथ सलमान है, मेरे साथ बहुत सारे सहयोगी हैं, बहुत सारे भूतपूर्व छात्र हैं और बहुत सारे यहाँ पर समाज सेवक हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की हम लोगों की और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोगों को, तब हम यहाँ पर ये परिणाम ला पाए, यानी कि तब हम यहाँ पर बच्चों की जॉब लगा पाए और यहाँ पर जो सांस्कृतिक वातावरण बनाना हुआ है पूरे निवाड़ी में, ये हकीकत में देखने लायक है। अब आप निवाड़ी कभी भी आओ तो हमसे ज़रूर मिलना, अगर आप जॉब करते हो तो छुट्टी लेकर जरूर आना हो निवाड़ी में, बुंदेलखंड अकेडमी में 1-2 दिन आप जरूर समय देना यहाँ पर, और अपना जो अनुभव है वो शेयर कर सकते हो। जब भी कोई बंदा बाहर से आता है निवाड़ी में, या फौज से होता है, भूतपूर्व सैनिक होता है, या कोई प्रोफेसर्स होता है, या कोई अधिकारी होता है, तो बुंदेलखंड अकेडमी हम जरूर इन्विटेशन करते हैं और बच्चों को उनका जो उत्तम अनुभव है, अच्छा अनुभव है, सक्सेस वाला अनुभव है, वो बच्चों को हम दिलवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव तिवारी जी। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट है, वो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, हज़ारों कमेंट पढ़े हैं, तो मैं आप क्या करूँगा, थोड़े थोड़े कमेंट उठाया करूँगा और आप लोगों के साथ उन कमेंट को लेके बातें अपनी शेयर किया करूँगा। कई बंदे मुझे बोलते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप धर्म के लिए काम कर रहे हो,
आपने बच्चों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। RTGCU अगर बात करें तो भारत में कोई भी एकेडमी, कोई भी संस्था, कोई भी गुरुकुल बच्चों को धर्म शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करता है, जो कि बुंदेलखंड एकेडमी करता है। अब मैं इसी के तहत आप लोगों को एक जानकारी और दे रहा हूँ कि जो बुंदेलखंड एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब पहले बंदों को यहाँ आना होता था ऑफलाइन, अब ऑफलाइन नहीं आना है, ऑनलाइन भी आप लोग बुंदेलखंड भी जुड़ सकते हो। और जितनी भी धर्म शिक्षा के जो RTGCU की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए घर बैठे ही सारे नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं। प्रतिदिन बंदे यहाँ से बहुत सारे नोट्स लेते हैं और बुंदेलखंड एकेडमी से 3.5 घंटे की प्रतिदिन क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, उसका भी फायदा आप ले सकते हो। जो बंदे आचार्य कर रहे हैं या BA शास्त्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर्मकांड से कर रहे हैं, तो वो बंदे भी जुड़ सकते हैं एकेडमी से और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे जारी रख सकते हैं।